देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पारुल यादव और आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज छत्तीसगढ़। रायपुर के जिलाधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ओपी चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके चलते अब उनके आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार बनने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। डेंगू का प्रकोप भिलाई और दुर्ग के बाद अब पूरे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। बता दें कि एक महीने में यहां डेंगू से करीब 30 लोगों की जाने जा चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर में सारूडी गांव के एक महिला स्वयं सहायता समूह ने अपनी कड़ी मेहनत से 20 एकड़ जमीन पर चाय का शानदार बागान खड़ा कर दिया है। इसके लिए वन विभाग ने उन्हें प्रोत्साहित किया था। करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर तैयार किए गए बागान में आज 200 किलो चाय की पत्ती हर सप्ताह उगाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के झलमला थाना क्षेत्र के ग्राम बोलदा में नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी। मारे गए ग्रामीण की पहचान सुखदेव प्रसाद शर्मा के रूप में हुई है, जिसे नक्सलियों ने उसके घर से उठाकर गांव के बाहर स्टॉप डैम पुल के पास ले गए और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सल विरोधी अभियान के तहत चोलनार विस्फोट में शामिल नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। बता दें कि 20 मई को चोलनार मार्ग में नक्सलियों ने पुलिस वाहन को विस्फोट कर उड़ा दिया था, जिसमें पुलिस के 7 जवान शहीद हो गए थे। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ग्रामीण न्यूज। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।